नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हरनीत कौर कोहली, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट मणिपाल हॉस्पिटल पटियाला। आज 10 अक्टूबर को विश्व में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। इस बार 2022 में इसका थीम है मेक मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी। ये दिन विश्व में इसलिए मनाया जाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में अवेयर कर सकें, उनके लक्षणों के बारे में बता सकें उन्हें, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपना इलाज करवा सकें। इस दिन हमें चांस मिलता है कि हम मेंटल हेल्थ के बारे में खुलकर बात कर सकें, लोगों में से ये स्टिग्मा दूर कर सकें, उनको ये बता सकें कि जितनी को फिज़िकल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, उतनी ही मेंटल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है। जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, दे आर ट्रीटेबल। कैसे ये ट्रीटेबल होते हैं? विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशंस एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ थेरेपी। जो मेडिकेशंस हैं वो एक साइकेट्रिस्ट द्वारा दी जाती हैं, और जो थेरेपी होती है वो एक साइकोलॉजिस्ट द्वारा दी जाती है। सो इन दोनों ट्रीटमेंट से आप अपनी मेडिकल हेल्थ इश्यूज से बाहर आ सकते हैं। व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ वेलबींग वेयर अ पर्सन रिकग्नाइजेज हिज ओन अबिलिटीज, वेयर ही कैन कोप अप विद द चेंज इन लाइफ, वेन ही कैन वर्क प्रोडक्टिवली। जब वो अपनी ज़िंदगी में अपनी इशू से डील कर सकता है, उसकी उस मेंटल हेल्थ को नॉर्मल कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि मेंटल हेल्थ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की होती हैं। व्हाट आर द साइंस ऑफ गुड मेंटल हेल्थ? जब एक इंसान मेंटली हेल्दी होता है, ही इज़ वेरी पॉजिटिव, ही कैन वर्क इन अ टीम, ही कैन एक्सेप्ट एनी चेंज इन हिज लाइफ, उसका अपने इमोशंस पे कंट्रोल होता है, हिज इमोशंस डोंट कंट्रोल हिज बिहेवियर। उसके पास कुछ हेल्दी स्किल्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स। उसके पास ऐसी कहीं प्रकार की चीज़ें होती हैं जिससे कि अपने स्ट्रेस को वो मैनेज कर सकता है, अपनी वर्क प्लेस पे वो अच्छे से काम कर सकता है। अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ नेगेटिव मेंटल हेल्थ। जैसे कि जो पुअर मेंटल हेल्थ होती है, उसमें अ पर्सन हैज़ कन्फ्यूज्ड फीलिंग्स, ही डज नॉट हैव कंट्रोल ओवर हिज इमोशंस। जो उसका स्ट्रेस है वो उसकी लाइफ को डील करता है, वो दूसरों को हर वक्त ब्लेम करता है, ही इज़ वेरी क्लोज माइंडेड पर्सन। उसकी जो थिंकिंग होती है वो नेगेटिव थिंकिंग होती है, बहुत ओवर थिंक करता है, कन्फ्यूज रहता है बहुत ज़्यादा। तो इस नेगेटिव मेंटल हेल्थ से डील करने के लिए हमें थेरेपी करानी चाहिए, जिससे कि आप एक पॉजिटिव ह्यूमन बींग बन सकें। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मेंटल इशूज़। देर कैन बी जेनेटिक कॉजेज, देर कैन बी एनवायरमेंटल कॉजेज, लाइक बुलिंग एट स्कूल, कॉलेज, वर्क प्लेस, अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी, रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन, मैरिटल इशूज़, सेक्शुअल अब्यूज़, ट्रामास इन चाइल्डहुड, सब कॉजेज हैं जिससे कि आपको मेंटल इशूज़ हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे व्हाट आर वेरियस मेंटल डिसऑर्डर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द डिप्रेशन, देन वील टॉक अबाउट बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, OCD जैसे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहा जाता है, पैनिक अटैक्स, स्ट्रेस, ये कई अन्य प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर्स हैं। सबसे कॉमन इनमें से है डिप्रेशन। डिप्रेशन इज़ अ सीरियस इलनेस वेयर अ पर्सन नीड्स मेडिकल हेल्प। अब होता क्या है डिप्रेशन के अंदर? इट इज़ अ बेसिकली अ मूड डिसऑर्डर। इसमें इंसान बहुत ही लो मूड में रहता है, उदास रहता है, ही फील्स लाइक क्राइंग ऑल द टाइम। उसका मन करता है कि वो एक कमरे में बैठे अंधेरा करके किसी से बात ना करे। ही लूजेस प्लेजर इन हिज नॉर्मल एक्टिविटीज़, जो काम उसको पहले करने अच्छे लगते थे, जैसे कि स्पोर्ट्स खेलना, म्यूजिक सुनना, डांस करना, अब वो उनको करना पसंद नहीं करता। ही विल स्टार्ट हैविंग मेमोरी लॉस, लॉस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। और भी अन्य साइंस हैं, जैसे कि एक्सेसिव वेट गेन होना या वेट लूज होना, नींद का पैटर्न चेंज होना, नींद बहुत ज़्यादा आना या बहुत कम आना। अगर आपको लगता है कि आपके और आपके लव वंस के ऐसे लक्षण 15 दिन से ज़्यादा हो रहे हैं, दैट मीन्स ही हैज़ स्टार्टेड हैविंग डिप्रेशन। उसे डॉक्टर के पास जल्द ही जल्द लेके जाना चाहिए, ताकि आप इसका इलाज करा सकें। अब अगर इसको हम अनट्रीटेड छोड़ देते हैं डिप्रेशन को, तो होता क्या है? इफ़ इट इज़ लेफ्ट अनट्रीटेड, इट कैन लीड टू सुसाइडल इंस्टिंक्ट्स, बिकॉज डिप्रेसिव पेशेंट्स के अंदर ये खूब पाया जाता है कि उनका मरने का मन करता है। हर 10 में से 9 इंसान जब भी सुसाइड कमिट करते हैं, हमेशा क्लू छोड़ते हैं कि उनको सुसाइड करना था। ये कैसे हमें पता चलेगा कि उनके मन में ऐसी भावनाएँ हैं?
वो अक्सर ये बोलते हैं कि मेरा जीने का मन नहीं करता, मैं बेकार में कुछ भी नहीं कर रहा, मैं आपके लिए भी कुछ नहीं कर रहा, अपने लिए भी कुछ नहीं कर रहा। वो कई प्रकार की चीज़ों को अपने घर में रखते हैं ताकि वो अपने आप को मार सकें, जैसे कि रस्सी का रखना, शार्प ऑब्जेक्ट्स रखना, कुछ ऐसी दवाइयाँ रखना, नशे की दवाइयाँ रखना, या अल्कोहल में ज़्यादा जाना, या सब्सटेंस अब्यूज़ की तरफ निकल पड़ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी फैमिली मेम्बर या फ्रेंड ऐसी चीज़ें लक्षण शो कर रहा है, यू शुड इमीडिएटली टेक हिम टू अ साइकोलॉजिस्ट और अ साइकेट्रिस्ट एंड यू कैन सेव समवंस लाइफ। ये बहुत ही ज़रूरी है कि इसको इग्नोर ना किया जाए, ये लक्षणों को बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। अब मैं आपको एक टेक अवे मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखना चाहते हैं, प्रिवेंट करना चाहते हैं अपने आप को मेंटल डिसऑर्डर से, तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले यू शुड थिंक गुड, बी पॉजिटिव इन योर लाइफ। अपने आप को प्रेजेंट में जीना शुरू करो, बी माइंडफुल, डोंट थिंक ऑफ पास्ट, डोंट थिंक ऑफ फ्यूचर। अगर आप ऐसे सोचेंगे तो आपकी एंग्जाइटीज़ बढ़ जाएंगी, आपको पैनिक अटैक आएंगे। अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करिए, ईट हेल्दी फूड, अवॉइड जंक फूड, इन्वॉल्व योर सेल्फ इन फिजिकल एक्टिविटीज़, योगा करिए, कोई साइकिलिंग करिए, वॉट एवर एक्टिविटीज़ आपको अच्छी लगती हैं, यू शुड इन्वॉल्व योर सेल्फ। एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, आपके डोपामिन सेरेटोनिन आपकी ब्रेन की एक्टिविटी को पॉजिटिव करते हैं, अच्छा सोचने पे आपको मजबूर करते हैं। अगर आपको लगता है कि इन सब चीज़ों से आप सही नहीं हो पा रहे, तो यू शुड कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट सो दैट यू कैन टेक थेरेपी फ्रॉम अ साइकोलॉजिस्ट। होता क्या है, एक साइकोलॉजिस्ट जो हैं आपकी ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स को चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। आपकी थिंकिंग चेंज होगी, यू विल थिंक गुड, यू विल हैव अ गोल इन योर लाइफ, आपको जीने का मन करेगा, यू विल गो अवे फ्रॉम योर मेंटल डिसऑर्डर्स। अब मैं आपको लास्ट में ये कहना चाहूँगी कि आई एम डॉक्टर हरनीत कौर कोहली, मैं मणिपाल हॉस्पिटल पटियाला में रोज़ मंडे टू सैटरडे 10:30 to 1:30 अवेलेबल होती हूँ। अगर आपको इनमें से कोई भी ऐसे सिम्टम्स हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू डू एनी काउंसलिंग फॉर योर लव्ड वंस, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट मणिपाल हॉस्पिटल। थैंक यू।